तो भाई हम मटन कीमा कीमा ग्रेवी के लिए जो मटन कीमा होता है उसके लिए हम कीमा बनाएंगे आज। उसको अच्छी तरह हम वॉश कर लेते हैं। अच्छी तरह वॉश करेंगे इसको हम पानी के लिए। अच्छी तरह वॉश हो गया, अच्छी तरह वॉश हो गया, देख सकते हैं इसमें ब्लड ब्लड सा वो निकल गया। अब इसको हम यहाँ रख लेते हैं साइड में चढ़ने के लिए। और फिर आ जाते हैं हम हमारे जो भुने हुए प्याज की तरफ। जो प्याज और लहसुन भुने हुए हैं भून रहा है, देख सकते हो ये हो गया हमारा धीरा ब्राउन सा हो गया। और देख सकते हैं आप प्याज हमारे हो गए ब्राउन, थोड़ा सा मोटे है, थोड़ा गल जाएगा प्याज। ये देख सकते हो गाइस हमारे थोड़े से प्याज गल चुके हैं। प्याज को थोड़े से हल्के से गला देने को भून के थोड़े से इसके कलर पूरा ब्राउन प्याज हो जाएगा। आपको दिखेगा अभी कैसे ये हो गया हमारे ब्राउन प्याज। अब आएगा इसमें कीमा, ये होगा इस कीमा आ गया। ये देखो इस कीमा आ गया और इसको हम करेंगे अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अनियन मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। ये हो गया हमारा मिक्स कीमा। गाइस देख सकते हैं हमारा अनियन मिक्स हो चुका है मटन कीमा अच्छी तरह। अब हम इसको डालेंगे मटन की ग्रेवी में। ये हमारा मटन की ग्रेवी में कीमा डाल दिया गया, ये देख सकते हैं मिक्स हो गया है। ये गाइस इसको कहते हैं मटन का कीमा मटन। गाइस अब ग्रेवी देखो कितनी मस्त लग रही है भाई, देख के मुँह पानी आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नई वीडियो के साथ।